आइए दोस्तों आज का सवाल देखते हैं। तो सवाल कहता है कि व्हाट परसेंटेज डिक्रीज इन सैलरीज वुड एग्जैक्टली कैंसल आउट द 20% इंक्रीज। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना परसेंट आप सैलरीज में डिक्रीज करेंगे जो आपके 20% किसी की सैलरी में अगर इंक्रीज हो रहा है उसको मतलब कैंसल आउट कर दे। मतलब अगर कुछ आपकी सैलरी है उसमें कुछ इंक्रीज हुआ कुछ परसेंटेज, ठीक है, तो आपको इंक्रीज होकर कुछ अमाउंट बढ़ेगा, तो जो बढ़ी हुई अमाउंट में उस अमाउंट का कितना परसेंटेज डिक्रीज करेंगे जो मतलब आपकी पहली वाली सैलरी हो जाए। जैसे अगर मैं मानता हूँ कि अब आपका 4,000 बेसिक पे है, तो उसमें अगर आपका 10% बढ़ेगा बेसिक पे या डीए बढ़ेगा, तो मान लीजिए आपका बोले मोदी सरकार कि आपका 10% डीए बढ़ा, ठीक है, तो आपको कितना 10% होता है, 4,000 का 10% निकालिए 400 रुपये, ठीक है, तो आपका 4,400 बढ़ा। तो वो बोल रहा है कि 4,400 का कितना परसेंटेज आपका रिड्यूस करेंगे कि आपका अमाउंट जो है वापस से 4,000 हो जाए। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है, ठीक है, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरीज वुड एग्जैक्टली कैंसिल आउट दी 20% इंक्रीज। तो कितना परसेंट डिक्रीज किया जाए ताकि आपका 20% इंक्रीज के कैंसिल आउट हो जाए। तो आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 20%, सेक्शन 2/3%, सी 33 1/3%, डी 18%। तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिए 4,000 पे, तो 10% इंक्रीज मैंने बताया ना, तो अगर वो 10% इंक्रीज हो रहा है तो आपका वो 1/11% डिक्रीज होगा, ठीक है। तो मैंने इतने आराम से कैसे बता दिया, तो उसके लिए बहुत सारे आपको थोड़ा सा बेसिक्स आपको दूसरे चैनल्स पे भी देखना पड़ेगा, मेरे चैनल पे भी बने रहना पड़ेगा थ्योरीज के लिए। और अगर आपको पसंद आएगा तो काइंडली बोलिए, मैं आपको उस पर एक वीडियो बना के जरूर दूंगा। तो आइए देखते हैं सवाल का जवाब कैसे करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट परसेंटेज डिक्रीज इन सैलरीज वुड एग्जैक्टली कैंसिल आउट द 20% डिक्रीज। ठीक है, 20% इंक्रीज, जब भी मैं पहले भी क्वेश्चन में बोलता आया हूँ कि जब भी परसेंटेज की वैल्यूज दी हुई है तो आप कोई भी रैंडम नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकते हैं, 100, 200, 300, 400, 500। तो मैं यहाँ पे लेट इनिशियल सैलरी ले रहा हूँ 100 रुपीज़, ठीक है, मैंने 100 रुपीज़ ले लिया। अब मैं इसका 20% इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ जो कि क्वेश्चन में कह रहा है, तो मैंने इसका 20% इंक्रीज़ कर दिया, ठीक। तो हमारी नई अमाउंट जो सैलरी आएगी 120, अब 120 से मेरे को 100 वापस आना है, तो मेरे को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 20 वापस डिक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन परसेंटेज में आप जब देखते हैं, आप अगर परसेंटेज में अगर आप 20% इंक्रीज कर रहे हैं तो 20%, ठीक है, 20% इंक्रीज कर रहे हैं तो 20% के इक्वलेंट होगा। लेकिन आप किसी नंबर में से 20 डिक्रीज कर रहे हैं तो वो आपका 20% के बराबर नहीं होता है, क्योंकि उसका परसेंटेज चेंज हो जाता है, क्योंकि उसका बेस अलग हो जाता है। बेस क्या होता है, जो आपका यहाँ पे ये देखिए, ये आपका बेस है 120। तो ये क्या कह रहा है कि कितना परसेंटेज डिक्रीज इन सैलरी जो कि आपका कैंसिल आउट 20% पे होगा। तो आप जब 120 आपका बढ़ जाएगा तो 120 का आप 16 2/3% डिक्रीज करेंगे तो आपका वैल्यू क्या होगा, 100 वापस आ जाएगा, जो कि आपकी इनिशियल सैलरी है। अगर 16 2/3 आप इस 120 सैलरी का करेंगे डिक्रीज तो आपकी वैल्यू 100 पे आएगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए 20/120, 20 हमारे क्या है कि जो वैल्यू बढ़ी 20, लेकिन 20 अब 120 से हमें 100 जाने के लिए 20 वापस घटाना है, तो कितने में से घटाना है 120, तो हमारा बेस इंटू 100 इजकल टू 100/6 इजकल टू 16 2/3% हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके हमारी इनिशियल वैल्यू 100 आएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से हम करेंगे वाइस वर्सा रूल से, तो ये मेथड आप सीख लीजिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर प्राइस आपकी 20% इंक्रीज हो रही है तो आपको 20% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ठीक है, आपको पता है कि परसेंटेज का साइन क्या होता है, परसेंटेज का साइन क्या होता है, 1/100 होता है। तो 20 × 1/100 आपका क्या आता है, अल्टीमेटली 1/5 आता है। और यहाँ पे इंक्रीज्ड लिखा हुआ, इंक्रीज्ड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में इंक्रीज 20% है ना, तो यहाँ इंक्रीज 20%
तो इंक्रीज जब होता है, जो वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होता है, वो प्लस होता है, तो यहाँ प्लस 1/5। तो सिमिलरली जब डिक्रीज आप निकालेंगे किसी की, किसी वैल्यू को बढ़ी हुई, ताकि वो वैल्यू बराबर रहे, कुछ चेंजेस नहीं आए, ठीक है, इनिशियल वैल्यू पे वापस आने के लिए आपको उसमें से क्या करना पड़ेगा, -1/6। ठीक है, तो -1/6 कैसे आया, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं उसके लिए बता दूं कि जब माइनस, जब कोई वैल्यू इंक्रीज होती है 20% या कोई भी परसेंटेज मान लीजिए, ठीक है, आप उसको फ्रैक्शन वैल्यू में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू है +1/5। फ्रैक्शन वैल्यू में मैंने बता दिया 20% की वैल्यू को आप जो 1/100 से हटाएंगे तो +1/5 आएगा, ठीक है, +1/5 आएगा, प्लस मैंने ये इंक्रीज के लिए लिया है, ठीक है, तो ये +1/5 है। तो अब जब आप डिक्रीज वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस ये वन, ये जो आपका जो न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर जो ये 6, ये दोनों प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों हो जाएगा, यहाँ प्लस का आप साइन देखिए, अगर यहाँ प्लस आपका इंक्रीज हो रही है कोई फ्रैक्शनल वैल्यू, तो आप इन दोनों को इंक्रीज करेंगे कैसे, प्लस 1+5 जब करेंगे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो 1/6, तो 16 2/3% आपका डिक्रीज वैल्यू। यहाँ पे गलती से कंजम्पशन लिखा हुआ है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, ये सैलरी रिडक्शन है, देन सैलरी भी रिड्यूस बाय 1/6, ठीक है, कंजम्पशन यहाँ पे लिखा गया, तो उसके लिए मैं बेहद दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो ये यहाँ पे -1/6 आपको पता चल गया ना कैसे, अगर यहाँ पे -1/5 होता तो यहाँ वैल्यू क्या होती, तो ये वैल्यू इंक्रीज होती, अगर आपको ये बराबर करनी पहली वाली वैल्यू, तो यहाँ पे आपकी प्लस वैल्यू होती है, 1 तो 1 ही रहता, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, -1/5 है, तो 5 में से माइनस जो वैल्यू रहती है, डिनोमिनेटर से हमेशा न्यूमिनेटर को माइनस कर दिया जाता है जब ये वैल्यू डिक्रीज होती है, तो आपका 16 2/3% ऑप्शन बी राइट।